हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे बाल के सर्जी के में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, वे संस्कृत बोलने वाले थे। बी, वह घुड़सवारी किया करते थे। सी, वे कई झुंडों से भारत पहुँचे। डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसका सही उत्तर डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए, यजमान। बी, श्रमण। सी, अथर्वण। डी, श्रेष्ठीन। इसका सही उत्तर सी, अथर्वण होगा। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए, जौ। बी, गेहूँ। सी, चावल। डी, तंबाकू। इसका सही उत्तर डी, तंबाकू होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, सामवेद। इसका सही उत्तर ए ए ऋग्वेद होगा। चलिए आगे चलते हैं। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्राई या वेद त्राई कहलाते हैं? ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। बी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। सी, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्वेद। डी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। इसका सही उत्तर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए, कृषि। बी, पशुपालन। सी, शिक्षा। डी, व्यवसाय। इसका सही उत्तर बी, पशुपालन होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ए, ऋग्वेद। बी, उपनिषद। सी, यजुर्वेद। डी, सामवेद। इसका सही उत्तर डी, सामवेद होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए, सातवें। बी, आठवें। सी, नवें। डी, दोस्तों, दसवें होगा। इसका सही उत्तर ए, सातवें होगा। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए, प्रकृति। बी, पशुपति। सी, देवी माता। डी, त्रिमूर्ति। इसका सही उत्तर ए, प्रकृति होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ए, इंद्र। बी, अग्नि। सी, वरुण। डी, सोम। इसका सही उत्तर ए, इंद्र होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ए, ऋग्वैदिक काल में। बी, उत्तर वैदिक काल में। सी, उत्तर गुप्त काल में। डी, धर्मशास्त्र के काल में। इसका सही उत्तर डी, धर्मशास्त्र के काल में होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए, आयुर्वेद। बी, सामवेद। सी, अथर्वेद। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, सामवेद होगा। चलिए आगे चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए, अर्थशास्त्र। बी, राजनीति। सी, चिकित्सा। डी, धर्म। इसका सही उत्तर सी, चिकित्सा होगा। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ए, निरंकुश। बी, प्रजातंत्र। सी, गणतंत्र। डी, राजतंत्र। इसका सही उत्तर सी, गणतंत्र होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में वह
दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ए बढ़ईगिरी, बी आभूषण, सी लोहार, डी मृद भांड। इसका सही उत्तर सी लोहार होगा। चलिए आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका सही उत्तर ए ऋग्वेद होगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।